बैक ब्रेक से वापस आ गए हैं, तो और भी लोगों से मजे मजे की बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नरजिस। आपका नाम? सफीरा बतूल। सफीरा कौन सी क्लास में? टू में। टू में हो, ये गेम्स खेलती हो मोबाइल पे? जी। क्लासेस लगी हैं? जी। बेटा ना खेला करो ना, बाहर जाके खेला करो। अच्छा क्या आप इसको क्यों निकलते ना यहाँ पे बच्चे घर में खराब है लाहौर का आपको पता है। बाहर से मुराद ये है कि लाउंज में या कमरे में या घर के गार्डन में खेले, मोबाइल से तो अभी से उसको ऐनक लगे। अब थोड़ा किया हमने कंट्रोल, लेकिन पहले ये माशाल्लाह वो इतनी प्यारी है मगर उतने ही मुंह पे से ग्लासेस रखी। चले जी, और भी बहन भाई हैं? हाँ जी, नहीं इसका एक भाई है। ओके, आपकी बेटी है? हाँ जी, ये मेरी बेटी है, एक बेटा है। ओके चले जी, दोनों में ज़्यादा शरारती कौन है? माहिर बेटा। बेटा शरारती है, वो भागता फिर रहा है। चले जी, क्या मैं आपसे सवाल करती हूँ, ठीक है? मुझे बताएं कि वो कौन सा जानदार है जिसके पास दिमाग नहीं है? गधा। गधे के पास बिल्कुल दिमाग है। फिर मेरे पास? आपके पास दिमाग है तो आप यहाँ खड़ी हुई है ना, मतलब अल्लाह पाक ने उसको दिमाग के बगैर बनाया, मगर वो सर गौर से सुने ना। हाँ, बिच्छू। बिच्छू तो बहुत तेज होता है, वो बहुत लाइक होता है। सॉरी। ओके जी, आप क्या शेयर करेंगी, क्या अच्छा बनाती हैं घर में? मेरे बच्चे मेरे हाथ की बिरयानी बड़े खुश होकर खाते हैं। बिरयानी दम वो वाली, तय वाली बिरयानी? तय वाली भी और दूसरी भी, अगर सिंपल में बनाती हूँ तो चिकन फ्राई करके। ये ले, तय वाली बिरयानी की रेसिपी बता। तय वाली, तय वाली बिरयानी चावल बॉयल करके लहदा से चिकन मसाला वगैरह उसका फ्राई करके, तो तय दर तय फिर चावलों को और बिरयानी को चिकन को तय दर तय ऐसे रख के तो दम में देती हूँ, तो अच्छी सी बिरयानी बन जाती है जो मेरे बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं। अच्छा, वो जो अक्सर देगी टेस्ट लाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, लेमन डालते हैं, स्पाइसेस क्या होता है? वो बहुत ज़्यादा हैवी मसाले होते हैं, वो वाकई देगी में जो है ना वो ज़्यादा पड़ते हैं। लेमन्स हो गए और भी काफ़ी मसाले जो अब तो मार्केट से ही मिल जाते हैं सारे। आप डालती लेमन अचार वगैरह? मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं आलू बुखारा वगैरह और ये सारे मसाले हम डालते हैं। अच्छा, बिरयानी में लेमन हो, अचार हो, आलू बुखारा हो तो वो सही लगता है? जी, वो मेरे हस्बैंड बड़े शौक से वो ही खाते हैं तो मैं वही डालती हूँ। वेरी नाइस जी। और बेटा जी, कौन सी पोएम सुनानी है? पोएम में गाना है। गाना सुनाना है? वेरी नाइस, ये लो सुना दो। वे तो लौंग वे मैलाची, तेरे पीछे आगवाची, त्रिश के निमारी कुड़कच दी कवाड़ी। वे तुलांग वे मैलाची, तेरे पीछे आगवाची, त्रिश के निमारी कुड़कच दी कवाड़ी। चंबारी पहाड़ा वाली शाम वे मुंडिया, संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया, संदली संदली नैना विच तेरा नाम बे मुंडिया। मेरे सुनने सुनने पैर तोता जाना, इना शे बोता मांग दीना, थोड़ा लद चंजरा दा जोड़ा। मेरे सुनने सुनने पैर तोता जाना, रहना शे बोता मांग दीना, थोड़ा लद चंज जोड़ा। रुखे वाला देवे छले तेरे बिना, असी कले पाले बावा विच बावा चुका बना। रुखे वाला देवे छले तेरे बिना, असी कले पाले बावा विच बावा चुका बने। ये पूरा गाना याद किया हुआ है? वाह, स्टडी आपको बताइए। हाँ, स्टडीज में कैसी है? अच्छी है माशाल्लाह, वेरी नाइस। लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट, थैंक यू बेटा जी। बड़ी लाइक बच्ची थी हमारे साथ, वो माशाल्लाह उसका दिमाग इतना चलता है कि उसने जो है वो पूरा सॉन्ग जो है वो याद किया हुआ है, जबकि अक्सर इतनी छोटी उम्र के बच्चों को लफ्ज़ों की इतनी पहचान नहीं होती, क्योंकि इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं वो पंजाबी के हैं, सुनने सुनने पैर और शहर, शहर नहीं बोला उसने, मतलब एग्जैक्ट वैसे ही उसने कॉपी किया जैसे सॉन्ग में है, तो वेरी नाइस। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अली अब्बास। क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। क्या पढ़ते हो? सेकंड ईयर। आज मॉल में कैसे आए?
बस वैसे फ्रेंड के साथ आए थे। फ्रेंड के साथ आए थे। अच्छा, मुझे बताओ कि अगर गधे का मुंह मशरिक की तरफ है तो उसकी दुम का मुंह जो है वो किस तरफ होगा? अगेन, अगर गधे का मुंह, डंकी का मुंह मशरिक की तरफ है तो उसकी दुम का मुंह किस तरफ होगा? की तरफ। क्यों? नहीं, गलत। नहीं पता। कोशिश करो। नहीं पता। इनाम नहीं चाहिए? इनाम बस, इनाम की जरूरत है सिंगिंग के लिए। मैंने क्या चाहिए? गाना सुना के नाम जी। जवाब की तो कोशिश करो। इनाम रहने दीजिएगा, मैं गाना। नहीं, कोशिश करो। शुमाल की तरफ होगा। शुमाल की तरफ होगा। वो क्या अपनी दुम लेके फिरता रहता है? शुमाल मशरिक जुनूब तीनों में से कोई सा होगा। बोलगा बेवकूफ, क्या सुनाओगे? मैं आज सोनू निगम का गाना अभी मुझे। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहा था मेरा, अब है सामने इसे गाना। इतनी अच्छी आवाज कैसे? गॉड गिफ्टेड है। कभी सीखा? नहीं, किसी से नहीं सीखा। तो आवाज में इतना दर्द क्यों था? अपने आप से सीखते हैं। दर्द ये है कि जब एक चीज का शौक है ना, तो शौक में आके गा रहे हैं तो दर्द खुद ही आ जाता है। वेरी नाइस, अमेजिंग। लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका नाम? अली अब्बास। अली जी, हमें अली अब्बास ने एक सॉन्ग सुनाया, बहुत खूबसूरत आवाज़ थी अली की। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि लग रहा था जैसे वो फील कर रहा है उस बात को। मेरी आंखें भी नम हो गई।
वो जैसे उस गाने को फील कर रहा था. इट वॉज अमेजिंग. इस प्रोग्राम में जैसे मैंने आपको बताया बहुत से लोगों को मौका मिलता है. प्लीज़ गाइस इन लोगों को ज़रूर सपोर्ट करें. आप लोग टीवी पे जो हैं देख रहे हैं बहुत सारे लोग, तो इसकी जो हैं जो वीडियोस भी शेयर होंगी उनको भी आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा. इसको ज़रूर वायरल करिएगा. किसी और से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. क्या नाम है? निम्रा इमरान. आपका नाम? मोहम्मद जहीर. क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर. स्टडी BS. क्या रिश्ता है? बहन भाई. ओके. लड़ते हो? नहीं नहीं, फ्रेंडशिप है. वो कह रहे लड़ते हैं, आप कह रहे नहीं. दोनों चीज़ें. चले जी, नोक झोंक तो चलती है. मुझे बताएं वो खाने वाली कौन सी चीज़ है जो 1000 साल भी पड़ी रहे तो ख़राब नहीं होती, फ्रिज के बगैर भी पड़ी रहे तो ख़राब नहीं होती. खाने वाली, पीने वाली तो वाटर है, और खाने वाली पानी ख़राब हो जाता है, पानी में बदबू पड़ जाती है. अगर पानी खड़ा हो तो उसमें बदबू पड़ जाती है. ड्राई फ्रूट में कीड़े पड़ जाते हैं. देखा नहीं मूंगफली अंदर से काली खराब होती है अक्सर, बादाम को तो लग जाते हैं. चलिए जी, क्या शेयर करना? मैं ये शेयर करूंगा कि ट्रैफिक रूल्स आपकी सेफ्टी के लिए, सो काइंडली से फॉलो कीजिएगा. थैंक यू. आप शेयर. इंसान का मकसद इतनी दफ़ा इंसान का मुकद्दर चेंज होता है जितनी दफ़ा वो अल्लाह ताला से रुजू करता है. लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट. थैंक यू गाइस. जी बहुत प्यारे बहन भाई थे. किसी और से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम? ईशा. आपका नाम? नवीद. क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ. आप? मैं स्टडी करती हूँ. क्या पढ़ रहे हो? फिलहाल तो मैं 5th class में. 5th class में. आप ये आपके क्या लगते हैं? ये मेरे कज़न हैं. कज़न हैं. ओके जी. आज मॉल में कैसे आना हो गया? जहाँ पे आए थे शॉपिंग करने. बस क्या खरीदा? अभी तो आए हैं. इस टाइम आए हैं, अभी तो बंद हो जाएगा थोड़ी देर में. कुछ नहीं आता, थोड़ी देर के लिए आए हैं, कुछ देख के तो जाएंगे. ओके. विंडो शॉपिंग? यस. विंडो शॉपिंग के लिए ठीक है. फिर चले जी, सवाल करते हैं. वो कौन सा जानदार है जिसके पास दिमाग नहीं है फिर भी वो जिंदा है? हिप्पो? नहीं, क्यों नहीं? उसके पास प्रॉपर एक हिप्पो नहीं है, जानदार है, उसके पास दिमाग नहीं है. कौन सा जानदार? खाता है, पीता है, फिरता है. नहीं नहीं. बताओ. नहीं नहीं. क्या सुनाओगे? सॉन्ग. लगदी लाहौर दिया, लगदी पंजाब दी, लगदी लाहौर दिया जिस सपना तक दिया, लगदी पंजाब दिया जिस सपना हस दिया, कुड़ी दा पता करो केड़े पिंड दिया केड़े शहर दिया. वेरी नाइस बेटा. लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट. यू वेलकम. जी एक क्यूट सी गोलू मोलू सी बच्ची थी, माशाल्लाह उसकी हाइट बड़ी है. मुझे नहीं लग रहा था कि वो 5th class में होगी, मुझे लगा वो कोई जॉब वगैरह कर रही होगी. ये कोई बुराई नहीं है, इट्स ऑल्सो अ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आप बाहर फिर रहे हो डजंट मीन कि आप थोड़ी हाइट बड़ी होगी है तो आप और ले जाओ, बल्कि ये तो अच्छी बात है कि बच्चों की हाइट बड़ी होगी. जी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे लेनी पड़ेगी आपसे इजाज़त. आप देख सकते हैं कि आज तो इजाज़त लेते लेते इतना टाइम हो गया कि मॉल की जो है वो लाइट्स ही बंद हो गई और लोग जो है वो घरों की तरफ भाग रहे हैं. मगर भूजो तो जीतो हमेशा की तरह आपके पास है फ्रेश एपिसोड के साथ, बहुत सारी मस्ती लेकर, बहुत सारे इनाम लेकर. क्योंकि आप मुझे और मेरे प्रोग्राम को, हम सबको इतना प्यार करते हैं, तो मुझे आप लोगों को जी है हमें फ्रेश एपिसोड देनी होती है, जिसकी वजह से दिन रात जो है वो हमें काम करना पड़ता है, दिन रात जो है वो एपिसोड रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं. तो देखें अभी भी इस टाइम मैं मॉल में हूँ जबकि मैं बस क्लोजिंग कर रही हूँ. तो जी अब आपके दो सवाल जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. दो सवाल ये हैं कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ पर डॉग घर में रखना गैर कानूनी है, तो वो है आइसलैंड. और दूसरा वो क्या खाने वाली चीज़ है जो पड़ी भी रहे 1000 साल तो ख़राब नहीं होती, तो
تو وہ ہے شہد، کیونکہ مصر میں جب انہوں نے ممیز جو ہیں وہ پائیں، ان کو جب حاصل کیا تو ان ممیز کے ساتھ جو ہے وہ شہد کی جو بوتلیں تھیں وہ بھی وہاں پہ پائی گئی، اور سائنٹسٹ وغیرہ نے جب ان کو ٹیسٹ کیا تو ڈاکٹر کو چیک کروایا تو انہوں نے کہا یہ 100% بالکل ٹھیک ہے، یہ ابھی بھی کھایا جا سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ شہد جو ہے وہ ہزاروں سال بھی پڑا رہے تو خراب نہیں ہوگا۔ اٹس اے ویری نائس انفارمیشن جو بھوجو تو جیتو کے ذریعے میں آپ تک پہنچاتی ہوں، پلیز اس انفارمیشن سے آپ لوگ سیکھا کریں اور مجھے دیں اجازت، سب تو چلے گئے میں بھی جاؤں نا، پروگرام تھرسڈے ٹو سنڈے شام کو 7 بجے دیکھیں لاہور نیوز پر، اپنی ہوسٹ علینا ہارون کو اجازت دیں، خدا حافظ۔